पाकिस्तान से आई सीमा हैदर इन दिनों पूरे भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ दिन पहले तक तो सीमा हैदर की उत्तर प्रदेश के निवासी सचिन संग प्रेम की कहानी को लेकर चर्चा थी, लेकिन अब इस महिला पर पाकिस्तानी जासूस होने का आरोप भी लग रहा है। इस मामले में सोमवार को उत्तर प्रदेश ATS की टीम सीमा हैदर को अपने साथ लेकर गयी। अब सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि सीमा को जल्दी गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश ATS टीम ने सीमा के साथ साथ सचिन को भी पूछताछ के लिए लेके गयी है। बताया जा रहा है कि सचिन और सीमा को एक गुप्त स्थान पर ले जाकर ATS पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश ATS की टीम ने ग्रेटर नोएडा पुलिस से सीमा और सचिन के बयान की कॉपी भी ली है। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सचिन और सीमा से जो पूछताछ हुई है उसे वेरीफाई किया जाएगा। साथ ही यह भी पूछा जाएगा कि सीमा को भारत आने में किन किन लोगों ने मदद की है। फिर ATS इस मामले में नए सिरे से जाँच करेगी। सीमा के ID कार्ड की जाँच की गयी तो पता चला कि उनकी चाचा पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार है और उनका भाई पाकिस्तानी आर्मी में सैनिक है। जाँच के लिए सीमा हैदर के ID कार्ड को हाई कमीशन में भेजा गया है। साथ ही पुलिस उसके पाकिस्तान से भारत में आने का मकसद के बारे में जानने में जुटी हुई है। UP पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि सीमा एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसके भारत में आने के बहुत सारे पेज जुड़े हुए हैं। ऐसे में उससे पूछताछ लाजमी है, इसलिए देश की सुरक्षा में लगी ऐसी सभी एजेंसियां उनसे पूछताछ करेगी।